हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में महेश बाबू की फिल्म गुटूर करम का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में महेश बाबू की हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म गुटूर करम सिनेमा घर में शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। वहीं 17 जनवरी को इस फिल्म ने भारत में 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो गई है। श्री विक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित यह फिल्म सप्ताह में फिर से रफ्तार पकड़ने की संभावना है। गुटूर करम भारी उम्मीदों के बीच 12 जनवरी को सिनेमा घर में रिलीज हुई। हालांकि इसकी शुरुआत आशाजनक रही, लेकिन फिल्म के कलेक्शन में धीरे धीरे गिरावट देखी गई है। श्री विक्रम श्रीनिवास की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने छठे दिन सबसे कम कलेक्शन किया है। अनुमान यह है कि 17 जनवरी को फिल्म ने भारत में 7 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। हालांकि इसने भारत में 100 करोड़ रुपए का शुद्ध कलेक्शन पार कर लिया है और अपना प्रदर्शन जारी रखा है। 17 जनवरी को गुटूर करम ने भारत में 28.34% की ऑक्युपेसी दर्ज की है। भारत में छठे दिन की कमाई 100 करोड़ 95 लाख रुपए की है। श्री विक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित और निर्देशित गुटूर करम एक व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है। इसमें महेश बाबू मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 2022 में रिलीज हुई सरकारी वारीपाटा के बाद की उनकी भूमिका है। फिल्म में महेश बाबू के अलावा प्रकाश राज, रामैया कृष्णन, मीनाक्षी चौधरी और श्रीलीला हम भूमिका में है। संगीत यश थमन ने तैयार किया है। हरिका और हंसिक क्रिएशन द्वारा निर्मित गुटूर करम का संगीत थमन ने दिया है। संपादन नवीन नीलू ने किया है और छायांकन मनोज परमहंस और पीएस विनोद ने किया है।